तो हेलो नमस्कार प्रणाम मेरे फूडीज, क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब लोग। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज जिस जगह पर हम आए हैं उस जगह का नाम है मैड ओवर मैगी। आप देख सकते हैं मेरे नीचे लिखा हुआ है, ये जगह भी आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी लग रही है ना, यहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हैं आके। तो जिस जगह का हम आए हैं मैड ओवर मैगी, यहाँ पे 100 से ज़्यादा मैगी मिलती हैं और ये जगह अभी रिसेंटली यहाँ पे खुली है सेक्टर 2 बैरियर के पास। और लोकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आइए और यहाँ पे आके ट्राई कीजिए। ये जगह बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे हर चीज़ 80 रुपीज़ से कम में ही आपको मिल जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो इसी जगह को हम आज एक्सप्लोर करेंगे और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये हमारा मेन्यू आ चुका है जो हमने मंगाया था। तो ये है मैगी नाचोस, आप देख सकते हैं, और इसका प्राइस है 60 रुपीज़। और साथ में हमने मंगाया चॉकलेट शेक जिसका प्राइस भी 60 रुपीज़ ही है। और साथ में ये है इनकी स्पेशल मैगी जिसमें पनीर और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये टमाटर भी इसमें डला हुआ था जिसकी लाइट बंद हो गई अगर आपने ध्यान दिया हो थंबनेल वगैरह में, तो जल रहा था ये। और इसका प्राइस 80 रुपीज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है सब कुछ। और अब हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइज चलो अब इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। ये सबसे पहले अपनी मैगी शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसमें पनीर भी पड़ा हुआ है और साथ में चीज़ भी इन्होंने ग्रेट करके डाली हुई है, टमाटो वगैरह भी इसमें पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा एक स्मूथ सा टेक्सचर है इसका और बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। अगर आप कोई भी मतलब बच्चा वगैरह कोई भी हो आराम से आके इसे ट्राई कर सकता है, और इनकी स्पेशलिटी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने आज तक ज़िंदगी में कितने टाइप की मैगी खाई होगी? मैंने तो आज तक दो ही टाइप की खाई है, एक जो 2 मिनट में बनती है और एक जो 20 मिनट में बनती है। 20 मिनट वाली समझ गए होंगे, वो टमाटर प्याज डाल के तमीज से बनती है। इतने टाइप की मैगी मैंने आज तक ट्राई नहीं करी। अगर आपने कुछ जैसे कि वो नॉर्मल मैगीज होती हैं जिसमें पनीर, एग मैगी, टोमेटो मैगी, अनियन मैगी, उसके अलावा अगर आपने कोई मैगी खाई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। और इनके मेन्यू में अगर वो नहीं है तो वो भी बताओ, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी मैगी होगी छूटी हुई जो इनके मेन्यू में नहीं होगी। कुछ ज़्यादा इनके पास वैरायटी है मैगी की, सिर्फ मैगी मैगी। मैं इसे टेस्ट करता हूँ अब, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में सुना है, तारीफ है। ये है फैबुलस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इसमें चॉकलेट शेक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मूथ सा है। ये रिकमेंडेड है, आए तो इसे ट्राई करें। और ये मैगी तो है ही भाई बेहतरीन, इसमें क्या तोड़ है। तो गाइस अपने नेचोस को टेस्ट करते हैं। ये नेचोस दिखते हैं खाली नेचोस, लेकिन इसमें मैगी भी है। अगर आप देख पाएँ गौर से तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, एक मिनट। तो अब हम इसे ट्राई करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मैंने आज तक नचोस तो काफ़ी ज़्यादा टाइप के खाए हुए हैं, लेकिन मैगी वाले नचोस में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और अच्छा है। मतलब आप नॉर्मल चीज़ों से अगर आते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया है और 60 रुपीज़ का ही है तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये तो भाई ऐसे ही खा लेंगे, इसमें ज़रूरत कहाँ है फोक।
काफ़ी ज़्यादा चिकन में धनिया पड़ा हुआ है, टमाटर हैं, प्याज है, क्रीम मेयोनीज सब पड़ा हुआ है और साथ में मैगी भी है। मतलब भाई साहब सोने पे सुहागा है। नाचोस और मैगी दो ऐसी चीज़ें जो इंसान एक बार खा लेता है उसे वो दोबारा, उसका ऐसा नहीं है कि उसे पसंद नहीं आएगी। मैगी ऑलमोस्ट 90% लोगों को पसंद होती है और मैं अपनी बताऊँ तो मेरा तो मोस्टली सुबह का या शाम के नाश्ते में मैगी शामिल होती है। अगर कुछ नहीं है तो भाई अपनी मैगी है। अब उसके लिए अगर इतनी बढ़िया अगर दुकान खुल जाए तो भाई मैं तो यही आना पसंद करूँगा। हरिद्वार वालों के लिए एक बहुत बढ़िया डिलाइट है, यहाँ आएँ सब चीज़ें ट्राई करें। हमने तो दो ही आइटम ट्राई करें, आप चाहें तो और भी बहुत सारे आइटम ले सकते हैं। आपने सिनेमेटिक्स में शायद देखा होगा, मैंने इनका मेन्यू भी मेंशन किया है, तो अगर आपने मिस कर दिया तो जाके अभी वीडियो को रिवाइंड करें और वीडियो को दोबारा से देखें। आपके लिए काम करता हूँ, मैं मेन्यू मंगा ही लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए आप कितना बड़ा मेन्यू है इनका, इसमें सब मैगी ही मैगी है। और मैगी के अलावा इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पास्ता भी है, सैंडविचेस भी है और बर्गर भी है और सब कुछ नॉमिनल है। मतलब 80 रुपीज़ से कम ही है, कुछ भी उससे ज़्यादा नहीं है और 80 भी क्या 79 ही है वो। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सब अपने दोस्तों वगैरह को बताइए इसके बारे में, जगह के बारे में, और यहाँ आके ट्राई कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह होगी आप सबके लिए। तो अब मैं ये सब ट्राई कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे एंड में बात करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे खाने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल जाता है, जैसे कि गेम्स इनके पास हैं जेंगा टाइप के, जैसे हम अभी जेंगा खेल रहे हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया इनके पास गेम्स हैं। अगर आप यहाँ आते हैं खाने के लिए, गिर गया, काफ़ी मुश्किल गेम है ये तो जेंगा हमारे पास के लिए समझ में आ गया है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे गेम हैं, जैसे कि टिक टैक तो भैया लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पर चेस भी चल रहा है। देख रहे हैं कितनी हैपनिंग प्लेस है, आप यहाँ के आके आराम से इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा इनके सोशल मीडिया चैनल को, इंस्टाग्राम पे इनका चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैड ओवर मैगी नाम का है, इस पर सारे अपडेट्स आपको इस जगह के मिलते रहेंगे। और इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।